नमस्ते दोस्तों, आज बनाएंगे लापसी। 500 ग्राम गुड़ लिया है, 500 ग्राम गेहूं का दलिया है, थोड़े से काजू हैं, थोड़े बादाम हैं, थोड़े किशमिश हैं, हरी इलायची और घी। दोस्तों, घी हमने 250 ml लिया है। लापसी आज कुकर में बनाएंगे। कुकर गर्म करने के लिए रख देते हैं और एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। दोस्तों, पानी लापसी की वजन से 3 गुना ज़्यादा लिया है। घी 250 ml पूरा डाल देंगे। अब हम इसमें दलिया डालेंगे। दलिया को डालते लगातार चलाते हुए पकाएंगे, धीमी आंच पर पकाना है दोस्तों। दलिया को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। दोस्तों, लापसी एक राजस्थान की पारंपरिक डिश है। लापसी को किसी भी खास अवसर और पूजा के अवसर पर बनाया जाता है। जब आपका मीठा खाने का दिल हो तो कभी भी बना के खा सकते हैं। दोस्तों, जो पानी गर्म करने के लिए रखा था उसमें हम पूरा गुड़ डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जिस माप से आप दलिया मापते हैं उसी का 3 माप पानी लेना है। गुड़ पूरा डाल देंगे। गुड़ पूरा पिघल जाना चाहिए, पानी में घुल जाना चाहिए। लापसी को चलाते रहना चाहिए कंटिन्यू, नहीं तो हमारी लापसी जल जाएगी। गुड़ वाले पानी में उबाल आ गया, गुड़ घुल चुका है अपना पूरा अच्छी तरह से और एक तरफ अपना लापसी भी पक चुका है, दलिया अच्छी तरह से सिक चुका है। अब इसमें पानी डालेंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है, पानी डालते समय कुकर बहुत गर्म है और पानी को छान के डालना है। गैस को बंद कर सकते हैं आप, क्योंकि भाप बहुत गर्म आती है हाथ में। पूरा पानी डाल दिया है। गैस चालू कर देते हैं वापस और इसको हिला देते हैं और अपने पास जो ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं वो इसमें डाल दें। दोस्तों, इसमें सूखा नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। अब इसको एक बार अच्छी तरह से हिला के ढक्कन लगा देंगे। दोस्तों, 4 सीटी आने तक लापसी को पकाना है। अब गैस बंद कर देते हैं, कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कुकर को पूरा ठंडा होने दें। कुकर ठंडा हो गया है पूरा। ये देखिए दोस्तों, अपना लापसी बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छा बना है। एक बार हम हिला देते हैं उसको। अभी बहुत गर्म है तो थोड़ा गीला लग रहा है अपने को, लेकिन जैसे ही थोड़ा हवा में ठंडा हो जाएगा एकदम खिला खिला लापसी बनेगा।
तो दोस्तों लापसी बन के तैयार है अपना। आप भी लापसी बनाए, कैसी बनी लापसी, आपके अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।